सो हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह और आज मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा लेक्चर लाया हूँ, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली टेलीस्कोप कहते किसको हैं, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। टेलीस्कोप को हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी, यानी कि जो दूर की वस्तु दिखाने में मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ दूर की वस्तु किसका देखना है, क्या पड़ोसी के घर में झांकने के लिए टेलीस्कोप का यूज करना है? नहीं। यहाँ पे टेलीस्कोप का यूज किस लिए करना है, एस्ट्रोनॉमिकल चीजें देखने के लिए, जैसे चंदा, तारा, सूरज, मार्स, इन सारी चीजों को देखने के लिए किसका यूज करना है, हमें टेलीस्कोप का यूज करना है, ना कि पड़ोसी के घर में झांकने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में कितने तरह के टेलीस्कोप हैं? तो जनरली हमारे सिलेबस में दो तरह के टेलीस्कोप हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टेलीस्कोप बनाया गया था, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बनाया गया था। इसमें कुछ कमियां रही होंगी, तभी आगे जाके रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि अगर कमियां नहीं रहती तो उसको ज्यादा यूज में लाते नहीं, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही क्या होता है, दो लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आईपीस। सबसे क्लियर है ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्ट के जो पास लेंस होगा, आईपीस जो आंख के पास जो लेंस होगा उसको क्या कहते हैं, आईपीस का लेंस कहते हैं। इसका मान लीजिए फोकल लेंथ हम किसके बराबर लेते हैं, एफ पी के बराबर, और इसका फोकल लेंथ किसके, एफ ओ के बराबर। ठीक है, ये हो गया पी वन और ये क्या हो गया पी टू। ठीक है, ये बोल रहे। ठीक है, अब इनफाइनाइट से कोई रेस आती है तो क्या आती है, पैरेलल रेस आती है कि नहीं आती है? इनफाइनाइट से कोई भी किरण आती है, कोई भी रेस आती है तो कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो पैरेलल रेस आती है, पैरेलल रेस आती है, तो जरूरी थोड़े ना कि पैरेलल रेस ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आ सकती, लेकिन पैरेलल रेस होंगी। ठीक है, तो पैरेलल रेस मान लीजिए कुछ इस तरह से आई, ये कुछ क्या होगी, पैरेलल रेस होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस से पैरेलल रेस कहां मिलती हैं, या तो फोकस पे मिलेंगी या तो फोकल प्लेन में मिलेंगी। फोकस पे कब मिलती थी, जब रेस किसके पैरेलल हुआ करती थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, तो किसी पॉइंट फोकस पे आके मिलती थी। लेकिन जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना है, लेकिन दोनों रेस एक दूसरे से पैरेलल है, तो कहां पे मिलती थी, फोकल प्लेन पे मिलती थी। कहां पे मिलती थी, फोकल प्लेन पे मिलती थी। और ये रही कुछ लेंथ, हम लिख देते हैं ए डैश, इसको कह देते हैं बी डैश। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा बना देते हैं ऐसे इसे आप, ताकि अब क्या होगा, सेम चीज क्या होना चाहिए, जो इमेज बननी चाहिए कहां बननी चाहिए, इस आई पीस के बहुत पास बननी चाहिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस आई पीस के पोल और फोकस के बीच में बननी चाहिए, तभी वर्चुअल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनने के लिए क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्टिव से क्या बन रही है, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बन रही है वो इमेज इस आई पीस के क्या होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, तभी क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्योंकि हमने बोला था ना, इस टाइप जब हम टेलीस्कोप जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, एटलीस्ट उसमें एक वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, तो ये तो रियल इमेज बन रही है, लेकिन इसको वर्चुअल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस इमेज को किसके बीच में होना चाहिए, इस आई पीस के फोकस और प्लेन के बीच में, क्या फोकस और प्लेन के बीच में होना पड़ेगा। ठीक है, अब टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन की बात करते थे, हमने मैग्निफिकेशन बराबर क्या देखा था, माइक्रोस्कोप में क्या देखा था, बीटा अपॉन अल्फा देखा था। ठीक है, बीटा क्या था, फाइनल इमेज जो आंखों के साथ कोड बना रही, उसको क्या कहते थे हम, बीटा कहते थे। लेकिन यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी अलग है। माइक्रोस्कोप में हम अल्फा किसके बराबर लिखते थे, अल्फा लिखते थे कि जब ऑब्जेक्ट को आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ला रहे हैं, तो वो जितने डिग्री का कोण बनाता था हमारी आंखों पे, जितने एंगल का, जितने डिग्री का एंगल बनाता था हमारी आंखों पे, या जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता था, उसी को हम क्या कहते थे, अल्फा कहते थे। ठीक है, माइक्रोस्कोप केस में। लेकिन इसमें अल्फा किसको कहते हैं, क्या आप चंदा को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लेते आएंगे, नहीं लेते आएंगे। तो इस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कि जैसे कि बिना किसी टेलीस्कोप या किसी चीज की मदद से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल चीज, जैसे सूरज, चांद, सितारे हम देखते हैं, तो हमारी आंखों पे जितने डिग्री का कोण या जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें अल्फा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, माइक्रोस्कोप के केस में अल्फा हम किसको कहते थे, कि जब
वस्तु को आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ला रहे थे, तो हमारी आंखों पे जितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा था ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते थे, अल्फा कहते थे। लेकिन टेलीस्कोप के केस में अल्फा किसको कहेंगे, हम अपनी नंगी आंखों से या हम अपनी नेकेड आई से किसी जैसे सूरज या चांद सितारे को देख रहे हैं, वो हमारी आंखों पे जितने डिग्री का एंगल सबटेंड करता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अल्फा होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखिए। क्योंकि आप कहेंगे अरे अल्फा तो आंखों पे कहाँ बना रही है, ध्यान से देखिए अल्फा अल्फा क्या होना चाहिए। अब अल्फा अल्फा किस पे डिपेंड करता है, टेलीस्कोप पे डिपेंड करेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए, आंख को उठा के किसी आपकी आंख कुछ यहाँ पे है, आंख को उठा के कहा दिया आप यहाँ लिखे आइए, तो देखेंगे क्या कितने डिग्री का कोण बन रहा है, अल्फा डिग्री का। ठीक है, अब फाइनल इमेज कौन सी है, फाइनल इमेज इसको आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश के बराबर, तो फाइनल इमेज क्या होगी, ये होगी। और ये कितने डिग्री का आंखों से आप कोण बना रहा है, बीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, अब जैसे इसमें बात करते हैं सारी रेस क्या है, इसमें रेस को पैराएक्सियल माने हैं, तो अगर रेस पैराएक्सियल होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, उसी तरह बीटा की वैल्यू भी क्या बहुत छोटी होगी। अगर बीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो बीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, टेन, जैसे जब एंगल बहुत छोटा होता है तो टेन बीटा बराबर साइन बीटा बराबर बीटा के बराबर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम बीटा बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा कि नहीं होगा, ये भी अल्फा होगा, होगा अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, जब ये कोण मान लीजिए कोई थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल इसके बराबर होता है, थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बात करते हैं ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो हम जैसे बीटा की बात करें, बीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, बीटा बराबर लिखेंगे ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान बी डैश, इसको पी टू लिख देते हैं, इसको पी वन, इसको किसके इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या बहुत छोटी है, अगर बीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको हम बीटा बराबर टेन बीटा यानी ए डबल डैश बी ए डबल डैश बी डबल डैश अपान बी डैश पी टू के बराबर लिख सकते हैं। अब लेकिन ध्यान से देखिए ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दूसरे एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, कैसे हैं, सिमिलर है। तो जब दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनके जो एक ट्राइंगल के जो साइड का रेशियो होता है दूसरे भी ट्राइंगल के साइड का रेशियो वही होगा। ए डबल डैश बी डबल डैश अपान बी डबल डैश पी टू किसके बराबर लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान अपान इस दूरी को हम किसके बराबर लिख देते हैं, इस दूरी को हम एफ ओ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और इस दूरी को हम क्या कहेंगे, म्यू ई कहेंगे। इसको एफ ओ क्यों कहेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से कोई भी रेज आती है तो कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है या फोकल प्लेन पे मिलती है, तो ये दूरी एफ ओ के बराबर होगी, फोकल ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर हो जाएगी और ये म्यू ई के बराबर हो जाएगी। तो आप ए डबल डैश इसको क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान म्यू ई के बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बीटा के बराबर, अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपान एफ एफ ओ लिख सकते हैं कि नहीं, तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान एफ ओ लिख सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या थी, बीटा अपान अल्फा के बराबर थी, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जब बीटा अपान अल्फा के बराबर थी तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए डैश बी डैश अपान म्यू ई अपान ए डैश बी डैश अपान एफ ओ, ए डैश बी डैश कट गया तो किसके बराबर वैल्यू आ गई, एफ ओ अपान म्यू ई की जगह क्या भी वैल्यू क्या भी इसके बराबर हो गई। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया टेलीस्कोप का, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम एफ ई, यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना इस लेंस के लिए, तो एफ ओ अपॉन म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने क्या देखा था, एम बराबर एफ ओ अपॉन म्यू ई, एफ ओ अपॉन म्यू ई हमने देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन के बारे में। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, जब फाइनल इमेज कहाँ बने, हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बने। तो अगर आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर इमेज बन रही है तो उस केस में म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे ऑब्जेक्टिव यही था, सॉरी ये आई किस था और ये क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक की दूरी म्यू हुई और यहाँ से फाइनल इमेज कहाँ पे बने, डी डिस्टेंस पे बने, और इसका फोकल लेंथ एफ पी के बराबर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन अपान इसका फॉर्मूला यही होता है ना, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, तो वी की जगह क्या रखेंगे, डी प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्योंकि रे इस साइड जाएंगी और इसके पोल से आप देखेंगे तो ये किधर पड़ रहा है, इसके लेफ्ट साइड पड़ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन कन्वेंशन से माइनस डी,
यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस म्यू रखेंगे और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो वन अपान म्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वन अपान एफ ई प्लस वन अपान डी के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में हमने क्या रख दिया, एफ नॉट की जगह हमने क्या रख दिया, वन अपान एफ ई प्लस वन अपान डी। अब क्या कीजिए, एफ ई वन अपान एफ ई को बाहर निकालिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन अपान एफ ई को बाहर निकालिए, वन अपान एफ ई को आप बाहर निकालिए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ओ अपान एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपान डी, यही क्या होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन की, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, फाइनल इमेज कहां बननी चाहिए, अनंत पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के केस में फाइनल इमेज आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी यानी डी पे, डी डिस्टेंस पे बननी चाहिए, लेकिन मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, किसके लिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए आंखों से जो फाइनल इमेज बननी चाहिए इन्फिनिटी पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो इन्फिनिटी पे जब बनेगी तो वन अपान बी की जगह आप क्या रख देंगे, ये वन अपान डी, वन अपान बी की जगह आप क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, क्योंकि वन अपान इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वन अपान यू बराबर वन, यू ई बराबर वन अपान एफ ई हो जाएगा बस। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए आप क्या लिख दीजिए, F नॉट और म्यू की जगह आप क्या रख दीजिए, एफ ई रख दीजिए। तो आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला है, इसको आपको कम से कम याद होना चाहिए। ये क्या है, एम मैक्स के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, एम मिनिमम के लिए, ठीक है। अब लेकिन अब एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है, क्या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज बनाता है, क्या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज बनाता है, नहीं, जबकि माइक्रोस्कोप बनाता था ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज बनाता था, लेकिन क्या ये टेलीस्कोप जो है ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज बनाता है, नहीं। चार तारे तो खुद बहुत बड़े होते हैं, उसको और बड़ा बनाता है, बड़ा नहीं बनाता, उसको क्या करता है, अपने पास लाता है, क्या करता है, अपने पास लाता है। आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो कुछ, यहाँ से कुछ इमेज मान लीजिए इतनी बड़ी बनी थी, फिर ये बड़ा करके, बड़ा तो कर रहा है, यहाँ पे बड़ा कर रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी टेलीस्कोप में पूछ देगा कि ये क्या मैग्नीफाइंग, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करता है, नहीं, ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा नहीं करता, ऑब्जेक्ट को पास लाता है। चांद तारे को कहाँ पे ला लेते आया, यहाँ पे लेते आया, फिर इसके बाद क्या किया, ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, और क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, इस इमेज को और बड़ा बनाया इस लेंस की मदद से, और कुछ इमेज थोड़ी बड़ी बन गई। आप रे डायग्राम देखेंगे उसका तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी 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 सवाल में पूछ दे कि क्या टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज बनाती है, तो आप कहिएगा नहीं। अब देखिए, अब बात करते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। तो लेंथ किसकी, लेंथ कहते हैं किसको है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यही कहते थे। तो इसमें भी लेंथ किसके बराबर होगा, लेंथ किसके बराबर होगा, एल बराबर एफ नॉट प्लस इसी के बराबर क्या होगा, आपका लेंथ होगा, ठीक है, इसी के बराबर क्या होगा, लेंथ होगा। अब बात करते हैं कि जब फाइनल इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो हमने क्या देखा था, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, उस केस में वन अपान म्यू को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे थे, वन अपान एफ ई से रिप्लेस कर दे रहे थे। तो यहाँ पे म्यू की जगह आप क्या लिखेंगे, जब फाइनल इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने, तो उसको क्या आप लिख देंगे, तो यानी कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तब क्या किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, टेलीस्कोप में क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बड़ा होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से, ठीक है। ये भी कहिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर होता है ये क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कैसे, किसके कंपैरिजन में, आई पीस के अपर्चर, क्योंकि आप देखते हैं टेलीस्कोप, आप देखते हैं तो सामने वाला जो पोर्शन रहता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और आंख के पास जो वाला पोर्शन रहता है बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर पूछ दे तो आप कहेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि ऑब्जेक्टिव की साइज क्या होती थी, छोटी होती थी, और आई पीस की साइज क्या होती थी, बड़ी होती थी। लेकिन टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की साइज क्या है, बहुत बड़ी है, और आई पीस की साइज क्या है, बहुत छोटी है, छोटी है किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये 100 सेंटीमीटर के करीब है तो लगभग 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर के बीच रहेगा, ठीक है।
ये बातें थी इसको कि लोगों ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज में लाया, क्यों लाया, उसका रीजन क्या था, रीजन को समझते हैं। तो हमने क्या देखा टेलीस्कोप में कि ऑब्जेक्टिव की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, और आईपीस की साइज क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट रेज आएंगी उतना क्लियर इमेज बनेगा। अब चांद तारे से बहुत ज्यादा लाइट रेज आएगी तभी तो क्लियर इमेज बनेगा, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि पांच दो इमेज बन गई तो बहुत क्लियर चांद की इमेज बनेगी, दो इमेज से तो क्लियर इमेज नहीं बनेगी। जितना ज्यादा रेज ऑफ लाइट आएंगे उतना ज्यादा क्लियर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा रेज ऑफ लाइट कलेक्ट करने के लिए क्या इस ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, या ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा रेज कलेक्ट करेगा, और जितने ज्यादा रेज कलेक्ट करेगा उतनी क्लियर इमेज बनाएगी, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कि जब ये ऑब्जेक्टिव की साइज अगर बहुत बड़ी हो गई, ऑब्जेक्टिव की साइज बहुत बड़ी होगी तो इस पे पड़ने वाली हर एक रेज क्या होंगी, पैराएक्सियल नहीं होगी, इस पे पड़ने वाली हर एक रेज क्या होंगी, पैराएक्सियल नहीं होंगी, क्योंकि पैराएक्सियल का केस हमने क्या देखा था, एच अपॉन आर इज मच मच लेसर देन वन, एच ये दूरी और आर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो एच अपॉन आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, किससे, एक से छोटी होनी चाहिए, तभी इस पे पड़ने वाली सारी किरणें कैसी होंगी, पैराएक्सियल होंगी, कैसी होंगी, पैराएक्सियल होंगी। लेकिन ये एच की वैल्यू आप आर का परिसर में आर के बराबर तक कर देंगे तो ये एक से बहुत छोटी होगी, नहीं, एक के लगभग बराबर हो जाएगी, एक के बराबर हो जाएगी तो इस पे पड़ने वाली सारी रेस क्या होगी, पैराएक्सियल नहीं होगी, इसमें पड़ने वाली सारी रेस पैराएक्सियल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए पैराएक्सियल में ये भी था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, अगर एच अपन आर की वैल्यू एक के बराबर ही मान लीजिए, लेकिन रेस किसके पास है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास है, तो इससे रिफ्रैक्ट करने के बाद कहाँ जाती थी, पैरेलल रेज अगर है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद कहाँ जाती थी, फोकस से जाती थी, कहाँ जाती थी, फोकस से जाती थी। तो ये दोनों बहुत पास है तुम्हारी, तो इस फोकस से चली गई, यहाँ से चली गई। अब बात करते हैं कि जो बहुत दूर है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा होता है, तो जब रेस पैराएक्सियल है नहीं तो कुछ यहाँ पे कट कर देंगे, कुछ यहाँ पे कट कर देंगे। तो इसे मान लीजिए कि 200 लाइट यहाँ पे आई, 200 लाइट कुछ यहाँ पे कट कर दी, 200 लाइट कुछ ये थी, 200 लाइट कुछ यहाँ पे कट कर दी, कट कर दी। अब देखिए दो पॉइंट पे इमेज बना है कि यहाँ पे बना है कि यहाँ पे बनना है, तो क्या क्लियर इमेज बन रही है, क्लियर इमेज नहीं बनेगी, इमेज क्लियर नहीं बनेगी। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, ये कौन सा डिफेक्ट है, स्फेरिकल एब्रिएशन है, ये कौन सा है, स्फेरिकल एब्रिएशन है। तो सिंपल टेलीस्कोप में कौन सी दिक्कत होती थी, यही होता था स्फेरिकल एब्रिएशन, क्या होता था, स्फेरिकल एब्रिएशन होता था। ठीक है, स्फेरिकल एब्रिएशन में कह दिया कि दो जगह रेज पैरेलल रेज दो जगह पे कट कर रही है, एक इस फोकस पे कट कर रही है और एक कहीं दूसरे पॉइंट पे कट कर दे रही है, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव का साइज बहुत बड़ा हो जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का साइज जब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो सारी रेज पे पड़ने वाली पैराएक्सियल रेज नहीं होती है, जिसके कारण ये एब्रिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रिएशन। मैंने जितनी बातें बोली आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल एब्रिएशन, क्या कहते हैं, स्फेरिकल एब्रिएशन। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा देते। अब बात करते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन के बारे में, इसके बारे में, क्रोमैटिक एब्रिएशन, बात करते हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन के बारे में, किसके बारे में, क्रोमैटिक एब्रिएशन के बारे में। अच्छा ठीक है, क्रोमैटिक एब्रिएशन, लाइट में कौन कौन सी कलर होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होती है कि नहीं होती है। तो क्या लाइट के हर एक मतलब हर एक कलर ऑफ लाइट के लिए ये लेंस का जो आप क्या कह सकते हैं, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर ऑफ लाइट के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है, हर कलर, जैसे वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का कुछ अलग रहेगा, ब्लू के लिए कुछ अलग रहेगा, ग्रीन के लिए कुछ अलग रहेगा, ऑरेंज के लिए कुछ अलग रहेगा, रेड के लिए क्या रहेगा, कुछ अलग रहेगा। तो हर एक लाइट के लिए मतलब
हर एक लाइट के लिए क्या होगा, अलग अलग इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो क्या क्लियर इमेज बन पाएगी, क्या इमेज कहीं एक ही जगह बनेगी? ऐसा मान लीजिए यहाँ से कोई तीन चार कलर की लाइट मान लीजिए आ रही है, तो किसी की इमेज यहाँ बन सकती है, किसी की इमेज यहाँ बन सकती है, किसी की इमेज यहाँ बन सकती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा ना कि कौन कितना ज्यादा मुड़ रहा है। तो क्या कह सकते हैं कि ये लेंस क्या कर रहा है, ये लेंस क्या करता है, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एवरिएशन कहते हैं। क्रोमेटिक एवरिएशन क्या होता है, जब अलग अलग कलर की लाइट आती है लेंस से टकराती है तो जरूरी नहीं है कि एक ही जगह क्लियर इमेज बनाए, अलग अलग जगह इमेज बनाती है। और वो क्या करती है, जनरली हर एक कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एवरिएशन। तो टेलीस्कोप में क्या दिक्कत थी, एक स्फेरिकल एवरिएशन की दिक्कत थी, एक क्रोमेटिक एवरिएशन की दिक्कत थी। दूसरी बात, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, किसके कंपैरिजन में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये मिरर है, मिरर करने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत पतला सा लोहे का शीशा चाहिए, मतलब सॉरी लोहा नहीं, माफ कीजिए, एक बहुत पतला सा मिरर चाहिए, मिरर नहीं, आप क्या कहते, बहुत पतला ग्लास चाहिए, ग्लास शीट चाहिए, उसके पीछे शेड कर दीजिए। लेकिन वही आप इसको लेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, पूरा इसमें भरा होना चाहिए, तो इसका भी पैसे लगेंगे, नहीं लगेंगे, पैसे लगेंगे। फिर दूसरी चीज, इसको बनाना वो थोड़ा मुश्किल होता है, किसको, लेंसेज को बनाना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू मिरर को, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत थी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में, जिसके कारण लोग किस पे शिफ्ट किए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे शिफ्ट किए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, कैसेग्रेन और न्यूटोनियन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग वाले में? तो रिफ्रैक्टिंग वाले में जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, ऑब्जेक्टिव लेंस को किससे रिप्लेस कर दिया रिफ्लेक्टिंग में, पैराबोलाइडल कनकेव मिरर में। किसमें? पैराबोलाइडल कनकेव मिरर, किसमें, इसको लिख लीजिए, पैराबोलाइडल कनकेव मिरर। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता था, ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप में क्या होता था कि पैरेलल रेस को अपने अंदर अपने भीतर से पास कराता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, अब उसी पैरेलल रेस को टैकल कौन कर रहा है, ये मिरर कर रहा है। तो इस मिरर का क्या नाम है, पैराबोलाइडल कनकेव मिरर। ये भी मिरर कौन सा है, पैराबोलाइडल कनकेव मिरर, ठीक है। ये कौन सा मिरर है, ये है कन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, ये कन्वेक्स मिरर है। आईपीस की जगह किससे रिप्लेस कर दिया गया, आईपीस की जगह हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कन्वेक्स मिरर हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कौन से में, कैसेग्रेन टेलीस्कोप में, कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूटोनियन टेलीस्कोप में। न्यूटोनियन में भी ये भी कौन सा है, पैराबोलाइडल है, और ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये कितने डिग्री पर रखा गया है, 45 डिग्री पर रखा गया है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछ दे कि कैसेग्रेन मिरर और न्यूटोनियन मिरर में कैसेग्रेन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या अंतर है, तो आप कह देंगे कि एक में क्या है, एक में कन्वेक्स मिरर लगाया गया है और एक में क्या है, प्लेन मिरर 45 डिग्री पे लगाया गया है, ठीक है। तो यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा आपके बोर्ड के एग्जाम में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नीट के थ्रू भी देख लीजिए थोड़ा सा, अगर पूछ दिया कैसेग्रेन और न्यूटोनियन में कभी डिफरेंस पूछ दिया तो ये बात आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो ये सारी बातें थी।